जब हमें पता चला कि हमारे यहाँ एक वैभव गैस प्लांट है ये, और यहाँ पर अचानक एकदम भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उसमें कुछ हॉस्पिटल्स के गाड़ियाँ थी, कुछ पब्लिक के आदमी थे। पब्लिक के आदमियों को जब पता चला कि यहाँ पे गैस प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो हमने अपनी टीम को इकट्ठा किया, जो भद्रपुर पुलिस स्टेशन की, उसको पूरे को इकट्ठा किया, और हमने यहाँ उनको मैनेज किया कि उनको बताया समझाया कि भाई सबको मिलेगी। हमने यहाँ अंदर बात भी कर ली थी, SDM साहब भी आ गए थे। हमने उनके लिए एक ऐसे इस तरीके से प्लान किया कि गाड़ियाँ एक तरफ से गाड़ियाँ जाएँ अंदर, और एक कॉरिडोर बना दिया जो पब्लिक के लिए था, ताकि उसमें से एक्सक्लूसिवली पब्लिक के जाएँ, जिसमें 4 या 5 या 6 गाड़ियाँ उसकी हॉस्पिटल की ले ली जाती थी, और 10 से 15 आदमी पब्लिक के ले जाते थे, ताकि उनको भी साथ के साथ कैटर करते रहें। तो इस तरीके से हमने फिर अपना स्टाफ लगाया और उनको बतलाया, दो आदमी हमने अपने प्लांट के अंदर लगाए, ताकि वो जिसको बहुत ज़्यादा अगर उस वक्त आवश्यकता उस वक्त है तो उसको प्रायोरिटी दे दी जाए, अदरवाइज सबको बाहर लगा दिया था कि अपना इनको मैन पावर को हैंडल करें इनको। सर, आपकी आंखों के सामने सब कुछ क्रिटिकल है, जैसे आपकी इतने थोड़ा सा मंजर बताइए। हाँ, कई बार सोच के दुख होता है। हमने ये सोचा था कि हमारे यहाँ से जो भी इधर प्लांट पे गैस लेने आ रहा है वो खाली ना जाए, वो अपना ऑक्सीजन लेने आया है तो ऑक्सीजन लेके चला जाए। इसके साथ साथ एक दिन बड़ा एक शॉकिंग सा एक इंसिडेंट था, वो आदमी आया था, लेकिन शायद उसकी घर पे जो भी जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वो तब तक वो शायद कोलैप्स कर चुका था, तो वो यहाँ के बता रहा था कि जी अब मुझे सिलेंडर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका आदमी ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से और भी कई आए थे। एक लेडी आई थी और उसने बताया कि उसका एक बेटा ख़त्म हो चुका है और दूसरा भी बिल्कुल ऑक्सीजन पे, और उसका भी ऑक्सीजन लेवल लगभग 1-1.5 घंटे का बचा है सिर्फ, उसके पास जो ऑक्सीजन बची है उसको हमने प्रायोरिटी पे दिया था। उसके बाद उसने बड़ा ही एक भावुक करने का हमें एक मैसेज दिया उसने, बिल्कुल उससे जो अगर आप कहें मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, बड़ा ही भावुक करने वाला मैसेज है। उसमें पुलिस को उसने बहुत ब्लेसिंग दी है। आपको देवदूत से, देवदूत भी कहते हैं, कुछ भगवान कहते हैं, हालांकि ये सब भगवान की कृपा है, लेकिन ये हमारे लिए अप्रिशिएशन यही है। अगर कोई हमारे काम को अप्रिशिएट करता है, देखता है कि नहीं ये 24 घंटे काम पे के लिए लगे हुए हैं, और उसके बाद कोई अप्रिशिएट करता है, तो हमें बस हमारे लिए यही नाम है।